हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। मैं हूं आस्था दुबे, आप देख रहे हैं ट्रेड फ्लॉक। अगर आपको बिजनेस की दुनिया में इंटरेस्ट है, अगर आपको हर रोज सेंसेक्स की खबर चाहिए होती है, या फिर पता चलना होता है कि कौन सा क्रिप्टो कॉइन कितनी वैल्यू पर है, या फिर अगर आपको पता चलना होता है कि कौन सी कंपनी ने किसको कितने में खरीदा, या फिर कौन सा आईपीओ रॉक कर रहा है और कौन सा क्रैश कर गया, तो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू, वेयर वी डिस्कस एनीथिंग एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू बिजनेस, मार्केट, स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। आडिया अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी IIFM होम फाइनेंस में 20% स्टेक खरीदने वाली है फॉर 2,200 crores। ये वन ऑफ द बिगेस्ट डील होने वाली है किसी भी अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट में। अगर 31 मार्च 2022 तक की बात करें तो जो IIFM हाउसिंग, जो ये लोन कंपनी है, बेसिकली फाइनेंस कंपनी है, इनका एसेट मैनेजमेंट के अंदर 23,000 crore तक का रिकॉर्ड है और इस डील के बाद लेंडर को 11,000 crore तक की वैल्यू मिल जाएगी। इंडिया के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंता नारेश्वरन ने कहा है कि बिना किसी रेगुलेटरी अथॉरिटी के क्रिप्टो करेंसी एक ऐसा है कि कैरिबियन ऑफ पायरेट्स हो एक सीम है। यानी कि जब ये डिबेट, मतलब इस समय पूरे देश में ऑलमोस्ट चल रही है, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में चल रही है कि क्या क्रिप्टो को सेंट्रलाइज कर देना चाहिए, क्या एक रेगुलेटरी बॉडी क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बिठा देनी चाहिए या फिर उसे डिसेंट्रलाइज रखना चाहिए। ऐसे में वी अनंथा जी ने कहा है कि जब क्रिप्टो डिसेंट्रलाइज होता है तो इसमें ये कॉन्सेप्ट फॉलो होता है कि विनर्स टेक ऑल, यानी कि जो जीत रहा है वो सब कुछ लेकर जा रहा है और जो हार रहा है उसके पास कुछ नहीं आ रहा। इसीलिए इनका तो कहना है कि भाई सेंट्रलाइज कर देनी चाहिए, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बिठा देनी चाहिए क्रिप्टो के ऊपर। आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय इस बारे में जरूर बताइए। ये महीना और ये हफ्ता सेंसेक्स और निफ्टी के लिए तो बहुत ही बर्बाद रहा है। सेंसेक्स क्रैशेस 1,000 points एंड एंड्स एट 54,303, वाइल निफ्टी भी क्रैश कर गया और एंड किया है 16,000 points पर। ये बेसिकली इसलिए हो रहा है क्योंकि US इन्फ्लेशन डेटा आया है तो उसका असर सेंसेक्स पर भी पड़ रहा है। जैसा कि हमने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया था कि जो कंपनीज और जो फ्रेंचाइजीज जो रशिया से एग्जिट कर रही हैं, उनमें से एक थी मैकडॉनल्ड्स। मैकडॉनल्ड्स अपनी रशिया के सारे आउटलेट्स बेच रही थी और एक आदमी था जो ये सारे आउटलेट्स खरीद रहा था, अलेक्जेंडर गोवर। अब ये जो अलेक्जेंडर गोवर है, उन्होंने कितने में आउटलेट्स खरीदे हैं ये तो बाहर नहीं आया, ये एक अनडिस्क्लोज सम है। लेकिन अब जो ये नई कंपनी मैकडॉनल्ड्स की जगह रशिया में ला रहे हैं, उसका लोगो सामने आया है जो कि आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे होंगे। इस लोगो में एक सर्किल है और दो ऐसे स्ट्रेट लाइंस हैं, विच इज सेड कि वो सर्किल बर्गर को रिप्रेजेंट कर रहा है और स्ट्रेट लाइंस फ्रेंच फ्राइज को रिप्रेजेंट कर रही है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि इस कंपनी का अलेक्जेंडर गोवर नाम क्या रखेंगे, अभी तक कोई नाम नहीं रखा। बाय द वे, अगर आपको इस बारे में एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए, अगर आप जानना चाहेंगे कि अलेक्जेंडर गोवर कौन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हम आपके लिए एक केस स्टडी इस पर जरूर लेकर आएंगे। हमने आपको अपने पुराने वीडियो में बताया था कि इस साल अमेजोन भी कम्पीट करेगी डिज्नी और रिलायंस के साथ टू गेट द राइट्स ऑफ IPL टेलीकास्टिंग। लेकिन अभी हाल ही में जो खबर आई है उससे पता चल रहा है कि अमेजोन अपना ये जो कैंडिडेटचर था ये वापस ले रहा है, यानी कि अमेजोन वोंट कम्पीट फॉर द टेलीकास्टिंग राइट्स ऑफ IPL विद डिज्नी और रिलायंस। आपको बता दें कि ये जो टेलीकास्टिंग राइट्स होंगे ये 2023 से 2027 तक के लिए होंगे, यानी कि 4 साल तक के लिए होंगे। और क्या आप गेस कर सकते हैं कि कितने रुपए का ऑक्शन होगा? ये $7.7 billion, यानी कि 60,000 crore इंडियन रुपी में। इतने रुपए में जो ये, मतलब इतनी वैल्यू होगी इस ऑक्शन की, और जो भी ऑक्शन जीत जाएगा वो अगले 4 साल तक के लिए IPL टेलीकास्ट करेगा। विप्रो ने इंडिया में एक नया रिकॉर्ड बनाया। ये रिकॉर्ड ये है कि विप्रो के CEO की जो एनुअल सैलरी है वो हाईएस्ट है इंडियन IT सेक्टर में। आपको बता दें विप्रो के CEO थाईरी डेलापोर्टे की एनुअल सैलरी जो है वो है 79.6 crore, यानी कि $10.5 million। इनके नीचे है इन्फोसिस के CEO जिनकी एनुअल सैलरी है $10.2 million। फॉर सेकेंड डे इन अ रो रूपी फॉल्स लोएस्ट इन फ्रंट ऑफ US dollar। आपको बता दें कि ये दूसरा दिन है जब रुपए की वैल्यू दोबारा से गिरी, इस बार 8 पैसे गिरी और इस समय
अगेंस्ट द यूएस डॉलर रुपी की जो वैल्यू है वो ऑल टाइम लो पर है, 77.82 पर है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि माना ये जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए हैं और एक तरह से जो फॉरेन इन्फ्लेशन हो गया उसकी वजह से रुपए की कीमत जो है वो दिन ब दिन घटती जा रही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार इसमें कुछ कर सकती है? अगर कुछ कर सकती है तो क्या कर सकती है? अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। माइक्रोसॉफ्ट ने रशिया में 400 एम्प्लॉइज को फायर किया है और कहा है कि वो बहुत जल्द स्केल आउट कर देंगे, यानी कि इनका जितना बिजनेस है रशिया में उससे काफी कम कर देंगे। इन्होंने रशियन मार्केट को एग्जिट करने की बात तो नहीं की, लेकिन इन्होंने ये कहा है कि अपना बिजनेस कम कर देंगे, क्योंकि इस समय रशिया में जो सिनेरियो बन रहे हैं आफ्टर देयर इन्वेजन ऑन यूक्रेन वो इनकी इकोनॉमिक मतलब इनकी इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, इन्हें उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि क्या अपना बिजनेस कम करना इनफ है एक सैंक्शन के रूप में, या फिर माइक्रोसॉफ्ट को भी रशिया से एग्जिट ही कर जाना चाहिए। टिकटॉक के एक सीनियर एग्जीक्यूटिव ने एक स्टेटमेंट दिया है जो काफी हास्यास्पद है प्रेजेंट सिनेरियो में जब हम नारीवाद की इतनी बात करते हैं। इन सीनियर एग्जीक्यूटिव का कहना है कि मेटर्निटी लीव नहीं देनी चाहिए औरतों को, कंपनीज को मेटर्निटी लीव नहीं देनी चाहिए क्योंकि उससे कंपनीज का नुकसान होता है। इसी के साथ साथ अब जब इन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया तो जब इन पर ये ऐसे लोग विरोध करने लगे इनके स्टेटमेंट का, तो इन्होंने मतलब took some टाइम ऑफ फ्रॉम द कंपनी। इन्होंने कहा कि एज अ कैपिटलिस्ट इन्होंने ये बात की थी। अब भाई एज अ कैपिटलिस्ट क्यों, लेकिन एज अ ह्यूमन तो आप मतलब आप ये नहीं कह सकते ना कि मैंने ये जब बात कही तो मैं इस फेज में था, अब मैं इस फेज में नहीं हूं, अब मैं और अंडरस्टैंडिंग इंसान बन गया। ये कोई मतलब इस बात का कोई बेस नहीं है, ये बस अपनी गलतियां छुपाने का तरीका होता है। अब अगर हम बात करें कि फेमिनिज्म की, तो आपको बता दें कि ट्रेड फ्लॉग मैगजीन्स भी लॉन्च करता है और हमारा जो इस बार का एडिशन आ रहा है दैट इज अबाउट टॉप 10 वुमेन लीडर्स इन बिजनेस सेक्टर ऑफ इंडिया। I will post the link in the description. You can check over through that link to get your copies. And I promise कि अगर आप अपनी कॉपी लेंगे you won't regret it. इंडिया की दो बड़ी कंपनीज रिलायंस और अपोलो ने मिलकर एक बिड की है फॉर अ ड्रग स्टोर। ड्रग स्टोर का नाम है वॉलग्रीन्स। इन दोनों की इस बिड के बाद जो ड्रग स्टोर की मार्केट वैल्यू है वो 6.3 बिलियन डॉलर्स हो गई है। ये जो वॉलग्रीन ड्रग स्टोर है ये ज्यादातर यूके में काम करता है। इंडिया का जो सबसे बड़ा आईपीओ था एलआईसी का आईपीओ दैट हैज बीन अ मेजर फेल। इस समय भी जो एलआईसी के पर शेयर की प्राइस है वो उनके स्टॉक प्राइस से 24% नीचे है, 720 रुपए पर ट्रेड कर रहा है इनका पर शेयर। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने इस आईपीओ में इन्वेस्ट किया था या नहीं। ऑनलाइन ब्यूटी मार्केट प्लेस पर्पल अब इस समय इंडिया का न्यूएस्ट यूनिकॉर्न है। इन्हें 33 मिलियन डॉलर्स की फंडिंग मिली जिसके बाद ये यूनिकॉर्न टर्न हो गए। यूनिकॉर्न की लिस्ट में बात करें तो हाल ही में एक बहुत ही चर्चित नाम यूनिकॉर्न्स की लिस्ट में शामिल हुआ है, वो है फिजिक्स वाला का नाम। आपको बता दें फिजिक्स वाला के जो ये टीचर हैं इन्होंने 6 साल पहले पढ़ाना शुरू किया था ऑनलाइन, यानी कि यूट्यूब पर ये वीडियोस डालते थे फिजिक्स के बेसिकली। उसके बाद धीरे धीरे इनके यूट्यूब पर सब्सक्राइबर्स काफी बढ़े, उसके बाद इन्होंने अपना पैरामीटर बढ़ाया और अपना एक ऐप लॉन्च किया फिजिक्स वाला ऐप, जिस पर इन्होंने PCMB यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी ये चारों सब्जेक्ट की कोचिंग दी फॉर 11th एंड 12th। इसी बीच इन्हें अन अकेडमी से काफी बढ़िया जॉब ऑफर आया था, लेकिन उन्होंने ये ठुकरा दिया और अपने स्टार्टअप पर ध्यान देते रहे। अब वो हाल ही में यूनिकॉर्न बना है और आपको बता दें कि इसी के साथ फिजिक्स वाला वॉज वन ऑफ दोज प्लेटफॉर्म्स जो काफी बहुत ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं फ्री प्राइस में बहुत अच्छे एजुकेशन दे रहे थे, क्योंकि जो इनके क्रैश कोर्सेज होते थे दे वर वर्थ एवरी पेनी। 2000 या 1000 रुपए का इनका ऐसे क्रैश कोर्स इतने प्राइस में चलते थे, मैक्सिमम आई गेस जो जाता था वो 4000 था। तो इनके प्राइसेस बहुत ही रिलायबल थे, इसीलिए किसी भी तबके से आने वाला बच्चा इन प्राइसेस के साथ इनके कोर्स को ले सकता था। अब तो इन्होंने ऑफलाइन कोचिंग्स भी शुरू कर दी हैं और ये साइंस स्ट्रीम से निकलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की स्ट्रीम में भी घुस गए हैं। हमने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि आरबीआई अपनी डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस कर सकता है। फाइनली आरबीआई ने कहा है कि इस फिस्कल ईयर में वो अपनी डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस कर देंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हैं। टेस्ला ने चाइना में 3 ऑनलाइन इवेंट शेड्यूल किए थे पूरे जून के लिए। ये जो इवेंट्स थे ये सेल्स के लिए थे, R&D और इनकी सप्लाई चेन के मतलब के लिए रिक्रूटमेंट के थे। टेस्ला ने बिना कोई रीजन दिए ये 3 इवेंट्स कैंसिल कर दिए हैं।
17 जून को एक बड़ी खबर आ सकती है। जोमैटो पूरी तैयारी में है ब्लिंकिट को एक्वायर करने के लिए। अगर आप सोच रहे होंगे ब्लिंकिट क्या ऐप है, वैसे आई एम श्योर आपको पता होगा, ब्लिंकिट बेसिकली ग्रोसरी डिलीवरिंग ऐप है जेप्टो की तरह। 10 मिनट में आपके गेट पर ग्रोसरी आ जाएगी और जोमैटो इज ऑल सेट टू एक्वायर इट। पहले सुनने में आ रहा था कि $700 मिलियन की डील हो रही है, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इस वैल्यू से थोड़ी कम वैल्यू की डील होगी, लेकिन होगी जरूर। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियोस में। मीनवाइल अगर आपको ट्रेंडी न्यूज देखना पसंद है या फिर मोबाइल रिलेटेड न्यूज देखना पसंद है या फिर हेल्थ रिलेटेड आपको एडवाइसेस चाहिए होती हैं या फिर कौन सी जगह किस छुट्टी में जाना है ये सब चीजें देखनी होती हैं, तो वी हैव अवर मल्टीपल पार्टनर चैनल्स जिनके बारे में हमारे जो चैनल का अबाउट है उसमें भी मेंशन है और मैं आज ग्रुप डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगी। तो अगर आप इन सब चीजों में इंटरेस्टेड हैं तो वी हैव अवर चैनल्स हेल्थ ट्राइव, स्मार्टफोन ट्रेंड्स, टेक टू रिव्यू, ट्रेंड टू रिव्यू, टू टू रिव्यू। गो एंड सब्सक्राइब टू देम एंड यू विल गेट लेटेस्ट वीडियोस ऑन ऑल ऑफ योर इंटरेस्ट। वी बेसिकली हैव गॉट एवरीथिंग फॉर यू एट अ सिंगल प्लेस, बस आपको जाकर सब्सक्राइब करना है। मीनवाइल ऑल्सो सब्सक्राइब टू ट्रेड फ्लॉग एंड लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो।